इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। अम्मी हम जा रहे हैं आपसे दूर। हमें अपनी इबादतों पे पूरा यकीन है आसरा, कभी नहीं जा सकता। एक साल तक हमसे दूर क्यों थे? अब्बू किस अंजाम की बात कर रहे थे? हमने जब तुमसे उस अंजाम के बारे में सवाल किए तो हमने दुबई जाने का फैसला कर लिया। क्यों? हमारे सवालों का जवाब देते जाओ, वो भी आंखों में आंखें डाल कर। हम अपने सारे काम अपने साहब के हुक्म पे करते हैं और तुम्हारा जिंदा रहना साहब के लिए खतरा बन गया है। तुम्हारा मरना जरूरी है। साहब कौन है? जारा को कौन मरवाना चाहता है बताओ हमें। वो शूटर गया जेल में, मिल गई तसल्ली। पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया वो। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने तुम्हारे घर के बाहर हिफाजत का इंतजाम कर दिया। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा काम हो जाएगा। जब तक हम तुमसे नहीं कहेंगे ना, एक कदम तुम घर से बाहर नहीं रखोगी चाहे कुछ भी हो। कौन है? पता नहीं। हमारी बातें क्यों सुनी थी? किसे गिराया यहाँ पे तेल? हमें पता है, इन्होंने ही गिराया था। किसने भेजा है आपको? हम आपसे पूछ रहे, किसने भेजा है आपको? जी वो मकबूल या रहमान? हमारे बेटे के सामने हमारे खिलाफ बात करके ठीक नहीं किया मकबूल तुमने। अब तुम देखो हम तुम्हारी अम्मी का क्या हाल करते हैं। देखो तुम, अम्मी को छोड़ दो साहब, आपको अल्लाह का वास्ता है साहब। ए चुप कर। पागलपन मत करो नहीं तो मार दिए जाओगे। गन फेंको, फेंक दो गन। तुमने सुना नहीं मकबूल? पीछे हटो वरना मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। पीछे हटो मकबूल। नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पीछे हम बात करते हैं, हम बात करते हैं उससे। पीछे हटिए कबीर साहब। मकबूल सब पीछे हट रहे। जारा तुम्हारे उस साहब के कब्जे में। मकबूल सिर्फ एक बार तुम जारा का पता बता दो, हम तुम्हें यकीन दिलाएंगे कि तुम्हारी सजा हम कम करवाएंगे। एक बार तुम्हारे साहब का पता बता दो, और कुछ नहीं चाहते हम मकबूल। तुम्हें अल्लाह का वास्ता मकबूल, तुम्हारी अम्मी
तुम्हारी अम्मी का वास्ता मकबूल, हमारी मदद करो, तुम्हारे साहब का पता बता दो। तुम अपनी अम्मी की जान बचाना चाहते हो ना? जी जी साहब। तो फिर तुमको खुद को पुलिस के हवाले करना होगा और जैसा हमने समझाया है उन्हें वैसा बयान देना होगा, उसके बाद खुद को गोली मार देना। कबीर साहब वहां कोई साहब है ही नहीं, मैंने आपको झूठ बोला था कबीर साहब, मैं तो बस जेल नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैंने उस रहमान को पैसे दिए ताकि मुझे वो पुलिस के वैन से रिहा कर सके। तुमने हमसे कहा था मकबूल कि वो साहब है, मैंने झूठ बोला था, मैंने आपको अपने पीछे आते हुए देखा था, लेकिन जब आप हम तक पहुंच गए तब मुझे ये साहब भाव का नाटक करना पड़ा। मैं यहां वहां भटक भटक के ना कबीर साहब अब परेशान हो चुका हूं, अब हम मर जाना चाहते। नहीं 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 मकबूल सुनो, जो तुम करने जा रहे हो बहुत बड़ा गुनाह है, जो तुमने पहले किया उसकी माफी मिलेगी लेकिन इसकी माफी तुम्हें नहीं मिलेगी, आखिरत खराब करोगे तुम। मकबूल मत करो ऐसा। किस मिट्टी से बने कबीर साहब, मैंने आपके बीवी पर गोली चलाई, हमारी वजह से आपकी एक साल तक जिंदगी जहन्नुम जैसी हो गई, और आप मुझे बचाना चाहते हैं? मुझे मत बचाइए, मुझे बचने का कोई हक है ही नहीं। ये मकबूल खुद को शूट क्यों नहीं कर रहे, फालतू की बातों में वक्त जाया कर रहे। हाजिर, हम जल्द से जल्द कबीर के पास जाना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, उसे आसरा देना चाहते हैं, उसका ख्याल रखना चाहते हैं। कोई चांद नहीं, कोई तारा नहीं, लगता है कल की तबाही को लेकर वो भी अपने आंसू बहा रहे हैं। अबू हम सब कुछ सहने के, क्या वो सह पाएगी जो हम उसके साथ करने वाले? अबू हमेशा हमेशा के लिए ज़ारा हमसे दूर जाने वाली है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए, जारी है कोशिश गुड्डन की एक सख्त सास बने रहने की। इसी के साथ गुड्डन और अक्षत पहुंच रहे हैं दुर्गा को जलाने की कोशिश करने वाले अपराधी के करीब। चादर तो गई गले में, लेकर आए? ये तो वही साड़ी है गुड्डन जो हमने सीसीटीवी के फुटेज में देखा था। ये टैग तो किसी लोकल टेलर का है। ये देखकर बता सकते हैं साड़ी आप ही के यहाँ बनी है? जी हाँ, ये मेरे हाथ की बनी हुई साड़ी है। अवंतिका और साहिल की शादी की तैयारी करो। तुमने हमें शर्मिंदा कर दी, इसलिए हम लोग इस शादी में नहीं आना चाहेंगे। जिसे नहीं आना ना आए। सरिता जी का फोन ट्राई कर रही थी तो सिग्नल टूटते टूटते कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंची। वहाँ एक एक्सीडेंट हो गया था, एक इंसान को बहुत बहुत चोट लगी, उसे ब्लड की जरूरत है। अगर ब्लड नहीं मिला तो डॉक्टर ने कहा उनकी जान को खतरा है। मेरी बेटी यही ब्लड डोनेट करने आई। माँ कौन है वो आदमी? माना आपकी दी को देर हो रही है आने में, लेकिन वो जानबूझ के थोड़ा ना लेट आ रही है, कहीं तो फंसी होंगी वो। लेकिन ये कौन बताएगा कि कहाँ फंसी है? ना उसका फोन मिल रहा है, ना वो कॉल उठा रही है, ना मैसेज का जवाब दे रही है। अगर मैं यहाँ से नहीं कूदी तो माँ और राखी आंटी को कौन बचाएगा? प्रीता को अपनी जिंदगी से निकाल दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक दूंगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं लूथराज की पूरी प्रॉपर्टी, पूरा बिजनेस अकेले टेक ओवर कर लूंगी और तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। काली, अच्छे लोग दूसरे को परेशान नहीं करते। मैं आने छोड़ूंगी ना। अरे डीके वहां कहां जा रही है? वहां तो तहखाना है। ये कौन से तहखाने की बात कर रहे हैं? मैंने बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुम चुप क्यों बैठे हो भाई? तुम्हारे अन्नदाता का जन्मदिन है। अरे गा नहीं सकते तो ताले तो बजा सकते हो ना। जन्मदिन मुबारक हो कुतड़ी।
संपदा को मूड के लिए कब सिरप मंगा रही थी उसने, कल्याणी की आई ड्रॉप मंगा ली है। लेकिन इस आई ड्रॉप से तो 5-6 घंटे के लिए आंखों की रोशनी चली जाती है। ये दवाई तो सिर्फ वैज्ञानिक वगैरह एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मैं चौंक गया था कि आपके घर में ये किसी ने क्यों मंगवाई। भैया क्या हो रहा है? अब हमारे रखे हुए पानी को जैसे मजूमदार अपने होठों पर लगाएगा इसकी मौत पक्की। रुको पापा जी, ये पानी मत पीजिएगा। इस लड़के ने इस पानी में कुछ मिलाया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो एक काम करो, खुद ये पानी पियो और हम सबको सबूत दो इसमें तुमने कुछ नहीं मिलाया।